मम्मी बोल रही है, मम्मी बोले डायरेक्ट आम ऐसे खा ला, ऐसे कौन खाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और आज घर में ही रहेंगे, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, तो मैं ऑफिस भी नहीं गया और एक दो काम थे मार्केट के तो नहीं गया। आज ऐसा लग रहा कि घर से बाहर ना जाओ, घर में ही रहो, तो आज घर में ही रहेंगे। ये देखिए मैंने बाल में कलर किया है, कैसे लग रहे हैं, अच्छे कलर हो गए बिल्कुल, एक नंबर बाल दिखने लगे। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हो गया है लंच टाइम, मेरा खाना हो रहा है गरम कढ़िया में, डायरेक्ट दाल चावल दोनों मिक्स करके, और आज बनी है लौकी की सब्जी। मम्मी और कोई सब्जी भी ले लिया करो, ये लाल भाजी लौकी है, लौकी शाम को लाल भाजी, लाल भाजी तो बहुत सही सब्जी है, लौकी ठीक है ना, लौकी खाना चाहिए। ये देखो मेरा खाना गर्म हो रहा है, और अभी बेबी रिंग भी तलेंगे। हाँ। ये बेबी रिंग रखे हैं, चाव देखो। हाँ ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं देना, थोड़ा ही खाऊंगा। तो मैं करता हूँ लंच और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज हम लोग ने ये देखो तोता परी आम खरीदा है, ये पूरे तोता परी और ये अलग वैरायटी, ये मोटे वाले हैं, इसका नाम मुझे पता नहीं, ये तीन चार नाम से जाना जाता है। ये वाला आम काटूं तोता परी, ये बड़ा वाला आम काटूं भैया, कौन सा बड़ा वाला आम मेरा रख देना, तोता परी में ले लेना। घर का कौन सा घर में आम आएगा मेरे को भैया, नींद उड़ जाती है ऐसे आएंगे। पूरे घर में खुशबू फैली पड़ी होता, कैसे आदमी बेचैन ना हो, पूरे घर में खुशबू। मैंने बोला था ना वाटरमेलन खत्म, आम कमिंग। इनने तो आम का भंडारण भी चालू कर दिया। हाँ मैंने काटना शुरू कर दिया, मैं तो खाऊंगा। अरे यार तो नई टेक्निक निकाल दी आम काटने की। हाँ मैं तो चूसने की बजाय पहले काट देता हूँ, इन्हें तो गुठली भी साफ कर दी। हाँ। यही वाली वैरायटी लो यार, ज्यादा अच्छा लग रहा मेरे को तो। यही वैरायटी आम दो ठेला वाले भैया को। हाँ, उसको बोलना है तुम तो 5-6 किलो यही दे जाया करो। आज आए तो थे, मैं नहा रहा था, मम्मी ने लेनी थी। वाह यार मीठा एक नंबर, बहुत बढ़िया आम है यार, तब तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। सही बात है। साहब भैया कौन सा नंबर चल रहा है? तोता परी काटता है बताओ, एक मोटा वाला आम एक तोता परी, अब ये नीचे डगरा के रखे हैं, तोता परी खाने, तोता परी ये देखो और आम डगरा के रखे हैं, ये अभी बोला ये भी और खाएंगे। मेरे आम आ गए भैया, हमारे लिए भी छोड़ दो, लो एक पीस तुम भी खा लो, लो एक पीस तुम भी खा लो, खत्म हो जाओ। दो आम में क्या मिल रहा जी, मस्त भाई मीठा आम का तो कोई जवाब नहीं भाई, वाकई में भाई इससे मीठा वो है यार, पर मोटा वाला इससे बहुत ज्यादा मीठा है, ऐसा लग रहा है वो तो सीधा है बिल्कुल। ऐसा है चक्कू धोके हमें भी दे दो तो हम भी काट कूट के खा लें। बिल्कुल भाई, पूरी जूठी कर दी चक्कू को, ये लो ऐसे ही खा जा, ऐसे काट काट के। मम्मी बोल रही है, मम्मी बोले डायरेक्ट आम ऐसे खा ला, ऐसे कौन खाता है यार, काट दे देखो देखो हम बता रहे। हाँ 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 काटो काटो काटो, रुको 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 रुको, नया तरीका नया तरीका, खेती के सानी वाला तरीका, कहा डायरेक्ट खेत से तोड़ के खा लो। हाँ ये देखो काट रही मम्मी, बहुत ही बढ़िया। लाओ अरे अच्छा प्लेट में दे देती है हमें आराम से, पहले एक तो काट के खाओ ना यार, लो लो खाओ, ये है आम। अब प्लेट ला रहा है तो काट रहा है, अब एक बार हाथ को दे दिया ना हमने, काट के खाते रहो, खा लो, कोई कोई काट के देगा जब भाई छोड़ो तो काट काट के खा, बहुत बढ़िया मजा आ गया भाई, ला रहे प्लेट आ गया आम, छा गया आम, हम लोग ने खा गया आम, मम्मी ने काट के मुझे प्लेट में आम दे दिया है, अब मैं खाता हूँ आम, आप लोग भी खाओ आम, यही सीजन है आम खाने का, चले गया तो कुछ नहीं कर सकते, मैं खा रहा हूँ आम, आप लोग भी खाओ आम, मिलते हैं थोड़ी देर में। हो गई है शाम और चाय टाइम, ये है चाय, आज मैं थोड़ा टिक के बैठा हूँ, आराम से चाय पीऊंगा, आ तो टिक के बैठने में चाय का मजा ही अलग आ रहा, मैं लेता हूँ चाय का मजा, आप लोग भी लीजिए चाय का मजा।
आज डिनर में हमारी फेवरेट सबसे पसंदीदा चीज बन रही है क्या? साबुदाने के बड़े। ये देखिए, ये तैयार के बना रहे हैं। ये साबुदाना भी भिगो दिया है, फूल गया है। ये आलू है, ये टमाटर, टमाटर की चटनी बना देंगे। ये मूंगफली पूरा पीस लिया है, ये काली मिर्च है, इससे नमक का पैकेट है। सबको मिक्स करेंगे, फिर पेड़े बना करके इसको तलेंगे। पेड़े बनाने में ये महारत इनको हाथ है, हम बना देंगे, तब हम लेंगे, तब ये देंगे। तो हम दोनों भाई मिलके बनाएंगे आज साबुदाने के बड़े। आय हाय, ये देखो हमारे भाई साहब ने साबुदाना के पेड़े बना दिए। ये क्या पेड़ा? अरे वाह, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया भाई? नहीं यार, खाने में तो अच्छा लग रहा है ना। हाय, मतलब अपने तब अपने हिसाब से क्या बड़े बड़े पेड़े खाओगे? पेड़ा बाबा पेड़ा बाबा बहुत शानदार, बहुत प्यारा लग रहा। ये देखिए, सब सामान को ऐसे मिक्स कर दिए, तो पूरा ये मसाला सब मिक्स हो गया। पूरा आलू, धनिया, मिर्ची, मूंगफली, सेंधा नमक, काली मिर्च, सब ऐसा मिक्स करके फिर इसको पेड़े बना दिए हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी ट्राई करें साबुदाने के बड़े। और अभी तल के आप सबको दिखाते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, हम तो थोड़ा सा खाएंगे, बाकी आप लोगों के लिए है। चलो भाई, बहुत मेहनत हुई आज, लगभग बहुत समय लग गया। लंबा समय लगता है इसमें, तो लंबा समय लगता है, थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा लगती है, पर खाने मजा आता है भाई। खाते समय आराम से। चलो तो आप एक काम करो, पेड़ा डालना शुरू करो। उसको ऐसे डाल देते हैं, ये थोड़ा सा हाथ बचा के। हाँ, इतना डालना कि मतलब बाहर ना जाए तेल के। हाँ, ये देखिए, धीरे धीरे एक और डालो भैया, बस ये मेरे ख्याल से एक आ जाएगा। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा आ जाएगा। हाँ, डाल दो, डाल दो, इस कोने में डालो, आ जाएगा, आ जाएगा, आराम से। चलो ठीक है, अपन पहले एक बार ये पहली पारी में एक बार ऐसे निकालते हैं। एक और आ सकता है भाई। नहीं नहीं, मत करो, वो पलटने में झरिया चलाने में दिक्कत हो जाती है, वो फिर चूना लग जाता है साबुदाने बड़े में, तो वो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। सही बोल रहे हैं। ये देखो गाइस, कितना सुंदर तरीके से चल रहा है। इसको तेज कर दो ना आज। हाँ, तेज तो कर दो, कोई ठंडा है बड़ा पूरा, हल्का कितना भी तेल गर्म रहता, पर जब ठंडे भरे हम डालते हैं तो तेल ठंडा हो जाता है। अभी देखो ये बनना शुरू हो गया भाई। साबुदाने के बड़े में ना दिखता बहुत सुंदर का लाल कलर, बहुत गजब। हाँ, हरा, पीला, देखो मूंगफली का पीला कलर दिख रहा है, धनिया और हरी मिर्ची का कलर जो है वो हरा हरा दिख रहा है, और साबुदाना तो नेचुरल व्हाइट होता ही है। हाँ, व्हाइटनेस में क्या उभर जाता ना सब चीजें। चटनी उबल रही है, नमकीन वाली। ये बन गया है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखो आप लोग कितना गजब का बना है। बहुत बढ़िया, मैंने पूरे पेड़े बना के तैयार कर दिए हैं, उसके बाद मैं खा रहा हूँ। ये तल रहा है, हमारी थाली लग के तैयार हो चुकी है। ये देखिए साबुदाने के पड़े, वाह। और ये टमाटर की चटनी, भैया की थाली भी लग गई है। और इतनी देर मेहनत करने के बाद बन गए हैं साबुदाने के बड़े। मम्मी पापा पहले ही खा लिए थे गरम गरम, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो मैं करता हूँ डिनर और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते हैं एंडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।